महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन पुरा संपदा कबाड़ में उपेक्षित पड़ी है। यह आरोप परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने पुरा संपदा का निरीक्षण करने के बाद लगाया है। अवधेशपुरी महाराज ने शासन प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शासन प्रशासन हिंदुओं के ऐतिहासिक धरोहरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 10 दिन बाद भी मंदिर प्रशासन के पास पुरा संपदा को उठाने के लिए मशीन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। करोड़ों की लागत से बने महाकाल संग्रहालय को प्रदर्शनी के रूप में उपयोग किया जा रहा है और ऐतिहासिक धरोहर कबाड़े में उपेक्षित पड़ी है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल है और इसका सदियों पुराना हमारा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है और उसी के कुछ बड़े गौरव में प्रमाण यहाँ मिले हैं, लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि वो प्रमाण ठीक से सुरक्षित नहीं है। ये पूरा संपदा है, इसके लिए 1 करोड़ की लागत से यहाँ संग्रहालय बना हुआ है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ ये कबाड़े में डाल रखे हैं सब। इनके लिए 10-12 दिन बाद भी ये संग्रहालय तक नहीं पहुंचे, जो जहाँ वहीं पड़ा है, कुछ दब गए हैं और मेरे पास जो फोटो आए थे वो तो अभी तक इनमें कोई मुझे नजर आया नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि हरसिद्धि में करीब 200 मूर्तियां पड़ी हुई है बगीचे में, जो कि आगरे साहब के बगीचे से बाड़े से ली गई थी, आज तक वो सुरक्षित नहीं हो पाई है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये नए सीमेंटीकरण करके इसका ये नई बिल्डिंग बना करके हम क्या करना चाहते हैं? भौतिक विकास के चक्कर में हम पौराणिक इतिहास का विनाश नहीं कर सकते। और अगर मंदिर प्रबंध समिति या शासन प्रशासन सब की नजर में इसके इस पौराणिक महत्व का मतलब कोई मूल्य नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उनको हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।